करो, जिसे तुम भूल गए उसे फिर याद करो। जो तुलसी तुम्हें तुम्हारे राम दिखलाते हैं, जो तुलसी तुम्हें तुम्हारे राम दिखलाते हैं, ओ दुनिया वालों, ओ दुनिया वालों, ओ दुनिया वालों, जिसे तुम भूल गए उसे फिर याद करो, जिसे तुम भूल गए। सज्जनों, प्रिय मित्रों, राम हमारी आत्मा है। राम अगर याद है, उनका पावन नाम अगर हमें स्मरण है, तो सब सुख है, जीवन में एक शांति है, जीवन में एक चैन है। और राम को अगर हमने भुला दिया तो फिर बहुत बड़ा शून्य पैदा होता है, और उस शून्य में अविश्वास का अंधकार खुट जाता है। राम को दुनिया भूल इसी से रोती है, अविश्वास के अंधकार में सोती है। चैन नहीं, आराम नहीं एक पल को भी, मुस्काने अश्रु में डूबी होती है। हर दृष्टि में घृणा द्वेष है भरा हुआ, फिर प्यार भरो। लो तुलसी तुम्हें तुम्हारे राम दिखलाते हैं, लो तुलसी तुम्हें तुम्हारे राम दिखलाते हैं, ओ दुनिया वालों, ओ दुनिया वालों, ओ दुनिया वालों, जिसे तुम करो, जिसे तुम भूल गए। राम जय जय राम, 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 राम जय जय राम, 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 जय जय राम। ईश्वर ने जीव को जब जन्म दिया, उसे मानव बनाकर भेजा, तो उसने एक कल्पना की थी कि मनुष्य बनकर जीव सदाचारी होगा, मर्यादा पालन करेगा, अच्छा करेगा, बुरे से दूर रहेगा। लेकिन राम को ही भुला बैठा, और जो सारे सत्य के, सारी अच्छाई के मूल हैं, उन्हें राम को भुलाकर फिर तो यही होगा, सब कुछ उल्टा, सब कुछ उल्टा। आज जहां मर्यादा सारी टूट गई, उसकी सारी कल्पनाएं भी रूठ गई, दुनिया में है दानवता का राज हुआ, मानव पशुता के गीतों का साज हुआ, झूठ और चोरी जब आदर्श बने, झूठ और चोरी
राम जय जय 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 राम राम जय जय 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 राम असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। वेदवाणी को आपने सुना होगा, नित्य प्रार्थना भी करते हैं। आइए अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, असत्य से सत्य की ओर बढ़ें, मृत्यु को भी एक उत्सव बना लें, अमृतमय जीवन हो जाए। और इसका मूल मंत्र आप जानते हैं क्या है? आइए श्रवण करें, सुने ध्यान से। बस तब ही तो अंधकार ये भागेगा, राम संस्कृति का सूरज जब जागेगा। तुलसी ने जो राम हमें दिखलाए हैं, महाप्रभु श्री राम के अनंत सदगुण युवाओं के लिए आदर्श है, ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं, जिससे युवा समाज और राष्ट्र की रक्षा करने में सक्षम होगा निश्चय ही। परम धैर्यवान राम, प्रत्येक परिस्थिति में सहज बने रहने वाले राम, प्रसन्नताम यान गता विषेक तस्तथा न ममले वनवास दुःखतः। जो राज्य मिलने से अत्यधिक प्रसन्न नहीं होते हैं और वनवास से कष्ट को प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसे श्री राम वीरता सत्य पर आधारित है, उनकी परम दृढ़ है लेकिन अभिमान रहित है। राम का दर्शन तो कीजिए। तुलसी ने वो राम हमें दिखलाए हैं, जो विपदा में सदा सदा मुस्काए हैं। दुख के कारण जिनका मुख नहीं ग्लान हुआ, दृढ़ है लेकिन कभी नहीं अभिमान हुआ। जहाँ वीरता सच की थी आधार बनी, जहाँ वीरता सच की थी आधार बनी, सेवा जिनके जीवन में अधिकार बनी, सेवा जिनके जीवन में अधिकार बनी। आज फिर जीवन में राम आदर्श भरो, आज फिर जीवन में राम आदर्श भरो। लो तुलसी तुम्हें तुम्हारे राम दिखला।
परम ऊर्जावान प्रभु का पावन नाम राम नाम जीवन में धारण कर लीजिए। भगवान होकर भी, ईश्वर होकर भी, परम तत्व होकर भी जिन्होंने मानव जीवन सहज भाव से जीकर जीवन जीने की श्रेष्ठतम कला को दिखलाया, उन राम के अनुकरणीय आदर्शों को जीवन में धारण करें, राम को अपना अंग संग बना लें, राम नाम को जीवन का आधार बना लें, जीवन ही बदल जाएगा, जीवन ही सुखमय हो जाएगा, जीवन अनंत ऊर्जावान हो जाएगा। आओ हम सब इन्हीं राम को अपनाए, जिनके दर्शन तुलसी ने करवाए, सच के लिए जिन्होंने त्यागा सिंहासन, मर्यादा का कभी नहीं छोड़ा था मन, पर दुख हरने को जिसने खुद कष्ट सहे, राम जय राम।